मैं कितना ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ ये तो मैं भूल गई, आप सब लोगों को बताना तो मैं आप लोगों के पास शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा ही, और पास फार्मर में लगा दूंगी। तो ये मैं इस तरह का एक बॉक्स लेकर आई थी ये वाला, और इसको इस तरह से इसके बीच में रख दो और ये आपका एक बॉक्स बन जाएगा, और इस तरह आप इसमें हिजाब स्टोर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको ऑर्गेनाइज करती हूँ, थोड़ा मैं खलाड़ा फलाड़ा डाल दिया है, इसको ठीक करती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी साथ में। तो हर कोई हिजाब नहीं करता, लेकिन ये है कि जो लोग हिजाब करते हैं वो वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, हर हिजाब खोल के नहीं दिखाया मैंने। तो चले जी इसको हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइज। तो ये बॉक्स मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है जी। अब मैं रखती हूँ, किस तरह रखती हूँ ये मुझे भी। तो जी मेरे सारे हिजाब हो चुके हैं, इस बॉक्स में आ चुके हैं, और ये वाले जो कुछ हैं ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो मैं अपने अबाये के साथ रखूँगी। और बाकी ये कैप किस तरह रखती हूँ ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। तो बाकी चीज़ें मैंने दिखा दी, ये नहीं दिखाया आपको, ये मैं इस तरह ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, जिसके नीचे भी बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और आपकी टॉलर की आयरन ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो मेरे पास एक ये बिग वाला भी था, बट वो अभी भी मिलता है, लेकिन उससे आप लोगों की ये जो आयरन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इस वजह से वो मैं नहीं। अगर कोई और तरीका हुआ, कुछ ऐसा है हैंगर बने अच्छे वाले हुआ, तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। ये मैंने बहुत पहले लिया था और आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था। तो ये दो हैं एक तरह करके, और मैं तो यूज करती हूँ, इसमें तो एक खराब हो चुका है, मैंने पिछले ब्लॉग में जब बनाया था ये तो उसी की स्टाइलिंग में दिखाते दिखाते ये टूट गया था, नीचे गिरा था, क्योंकि ये थोड़ा सा मटेरियल ऐसा है कि गिरने से टूट जाता है, लेकिन ये अच्छा है। मैं अपने रोजाना के जो बेसिक पे यूज होते हैं वो ये वाले हिजाब इसमें डालती हूँ। तो मैं आप लोगों को शो करती हूँ अभी इसमें। जी जनाब आप लोग देख लें, तब कुछ हो गया, मैंने कल अल्लाह हाफिज़ तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये देखें यहाँ पे बॉक्स में जो मुझे नहीं चाहिए, विंटर कलेक्शन है जो मैं ज़्यादा यूज़ में नहीं करती, लेकिन मुझे अपने पास रखनी है तो मैं इसमें रखती हैं। इसमें मेरी हिजाब कैप्स हैं, और ऊपर वाले में भी जो मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको निकलते वक्त अबाया और हिजाब लेना ही पड़ता है, तो इस वजह से जो हिजाब मैं रोज़ाना के बेसिक पे यूज़ करती हूँ वो यहाँ पर है, पिन यहाँ पर हैं, और यहाँ पर जो है मेरी हिजाब कैप्स हैं, और नाथवाने के लिए भी ज़रूरत होती है तो ये पिन मैं यहाँ पर रखती हूँ, और ये जो कैप्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, कभी कभार कभी साल में एक दफ़ा यूज़ करनी पड़ जाए तो मैंने इसलिए इसमें रख दिया है। और ये वाली कैप जो है एज अ कैप नहीं तो, और ये हिजाब जो है एज अ हिजाब कैप भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो इस वजह से वही बाय रखा है। बाकी जो यूज़ के मैंने बेसिक पे हैं अबाये के अलग रख दिए हैं, और ये जो मैंने रोज़ाना के बेसिक में यूज़ करने होते हैं ये मैंने इस तरह लगा दिए, जब मुझे नहीं यूज़ करने होंगे तो मैं इनको इसमें रख दूँगी, और इसमें से निकाल के न्यू वरायटी इसमें लगा दूँगी। और ये मैं बस यही, और क्या कहना था, मैंने यही कहना था। और आज की वीडियो को लाइक करना बनता है, बंदी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा। और आखिर में एक बात, अपने हिजाब को अगर आप यूज़ भी नहीं कर रहे, साल में एक दफ़ा इसे ज़रूर वॉश किया करें,
जो आप वेयर कर लें वो तो आप लोग वॉश करते हैं, लेकिन बाकी तब भी इसको भी मैंने वॉश करके आयरन करके सब अलग किए हैं, और तब मुझे ये टाइम लगा इस तरह करके, क्योंकि मेरे सारे ड्रॉर में थे इसलिए मैं ड्रॉर से निकाल के अब मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया और सारों को वॉश किया है, तब जाके मैंने इस तरह रखा है। तो आप लोग प्लीज़ साल में एक दफ़ा ज़रूर वॉश कर लिया करें, वेयर करें ना करें लेकिन एक बार वॉश कर लिया करें, क्योंकि अगर कभी कभार पहनना पड़ जाए तो आपके वॉश हुए हुए हों, और बाकी जो वेयर करते हैं वो साथ साथ वॉश हो जाते हैं। तो बस, और आप लोगों को आखिर में दोबारा पूछती हूँ कौन सा हिजाब ट्यूटोरियल चाहिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो आप लोगों के साथ हिजाब मुख्तलिफ हिजाब ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। एक मुझे कमेंट आया था, नाम मुझे याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूँगी नाम यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि आप निकाब के साथ हिजाब सिखाएँ, तो इंशाल्लाह निकाब के साथ हिजाब ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और अबाया कलेक्शन नेक्स्ट वीडियो होगी तो वो कल मैं शूट करूँगी, इंशाल्लाह आएगी कब ये मुझे नहीं पता। दुआ करें कि मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं साथ साथ सब शेयर करती रहा करूं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा वो कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।